हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कपिल एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर में जो ड्राइवर और असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है उसकी नोटिफिकेशन के बारे में और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑफलाइन भरे जाएंगे। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। इससे पहले कि आप नोटिफिकेशन पर चलते हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे कि ताकि आपके पास गवर्नमेंट जॉब के न्यू नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहें और एप्लीकेशन फॉर्म आपको हम आपको प्रोवाइड कराते रहे। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी नोटिफिकेशन लिखनी है कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर में निकली है। फ्रेंड्स इसमें जो आप पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें असिस्टेंट के लिए सब्जेक्ट मैटर्स स्पेशलिस्ट की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो निकली है, इसमें जो आप इसकी आपके एक पोस्ट रहने वाली है, एक पोजीशन है। इसमें आपको जो वेतन मिलता है फ्रेंड्स 15,600 से 39,100 इसमें आपका रहता है विद लेवल 10 विद एंट्री जो रहता है उसका वेतन इसमें 56,100 रहता है। फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में। तो और एज लिमिट की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपकी 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 35 साल से कम होनी चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट से आपका एज काउंट होने वाला है 15 अगस्त 2022 फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। फ्रेंड्स आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा, 15 अगस्त से पहले पहले आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर्स के बारे में। इसमें आपके जो वेतन रहता है 7 CPC रहता है, 5400 का पे ग्रेड रहता है। फ्रेंड्स इसमें भी आपकी एक पोजीशन है, इसके लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपके पास। और इसमें जो आपकी एज मांगी गई है ये भी आपकी 35 साल मांगी गई है। फ्रेंड 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग डेट से आपकी एज काउंट होने वाली है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की बात करते हैं, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में ये रहने वाला है आपका। इसमें आपका वेतन 4200 का पे ग्रेड रहता है 7 CPC। इसमें भी एक पोजीशन रहने वाली है, इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस सोशल साइंस रिलेटेड एग्रीकल्चर आपके पास होना, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें जो आपकी एज नॉट मोर देन 30, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, जो भी आपकी लास्ट डेट से काउंट होने वाली है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बात करते हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इसमें आपका पे ग्रेड 4200 का रहता है। इसमें एक वैकेंसी है लेवल 6 का, आपका पे ग्रेड रहता है। फ्रेंड्स इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसमें जो एज मांगी है आपकी 20 मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल एज मांगी गई है, जो भी लास्ट डेट से काउंट होने वाली है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बात करते हैं ड्राइवर के लिए, इसमें ड्राइवर में आपका जो वेतन होता है 2000 पे ग्रेड का आपका वेतन होता है। फ्रेंड्स और इसमें दो पोजीशन रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए और आपको पास ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट और आपको 1 ईयर का ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेटिव फील्ड ITI होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ मोटर मैकेनिक वर्क का भी आपको होना चाहिए। इसमें एज की बात करते हैं, इसमें 30 साल मैक्सिमम एज, आप 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स बात करते हैं एज रिलेक्शन की, तो ST SC OBC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए एडमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से, ICAR के हिसाब से आपका रहने वाला है। फ्रेंड्स तो बात कर जो आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपको आप बता देंगे, जो आपको फॉर्म फिल करने के बाद जो भेजना है फॉर्म विद्या भवन सोसाइटी डॉक्टर मोहन सिंह मेहता मार्ग फतेहपुरा उदयपुर राजस्थान, इस वाले आपको एड्रेस भेजना होगा। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आपको DD या IPO बनवाना होगा, 500 रुपये का DD IPO बनवाना है, वो विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर के नाम से बनवाना होगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स बात करते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की, यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना होगा। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर हमने दिए हैं और पेपर कौन से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपने देखा है तो वो यहाँ पे लगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 16 जुलाई 2022 के एडवर्टाइज डेट यहाँ पे 16 जुलाई 2022 लिख देना है।
और यहाँ पे आपको अपना जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो पोस्ट लिख देंगे, बाकी यहाँ पे लिखा उस आपको डिटेल भर देनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।